हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस सीरीज में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताएंगे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये जो पूरा डीएनए, आरएनए इन सब का बेसिक्स, ये सब हम आपको आज इस सीरीज में बताएंगे। तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे सेल में, ये दो तरीके का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA is deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose से मतलब हो गया कि इसमें एक ऑक्सीजन RNA से कम हो गई है, जो राइबोस शुगर है इससे कम हो गई है एक ऑक्सीजन, इसलिए इसे बोलते हैं deoxyribose nucleic acid. तो nucleic acid, अब DNA जेनेटिक मटेरियल होता है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन RNA भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ये वायरस में होता है। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसकी पूरी डिस्कवरी कैसे हुई थी ये सब आपको बताएंगे। तो डीएनए अगर हम देखें तो डीएनए में होता है फॉस्फेट, शुगर, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, इन सबको मिलाकर डीएनए बनता है। अगर नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं एडिनिन, ग्वानी, साइटोसिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से डबल हेलिकल, और एडिनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, थाइमिन, ये होते हैं इसके नाइट्रोजिनस बेस। अगर नाइट्रोजिनस बेस शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर एंड राइबो शुगर, ये दो तरीके की शुगर्स होती हैं। अगर राइबो शुगर है तो वो आरएनए में होगी, और डीऑक्सीराइबो शुगर है तो वो डीएनए में होगी। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर दोनों मिलकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर हम इसमें फॉस्फेट को भी ऐड करते हैं तो ये मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ये देखो, ये शुगर है, इसमें यहाँ पर OH अगर ऐसे होता है तो राइबो शुगर होती है, लेकिन अगर ये एक O हट जाए तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबो शुगर। तो ये शुगर हुई, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें से कोई भी हो सकता है, और ये हो गया फॉस्फेट। अगर शुगर एंड नाइट्रोजन बेस यही दो है तो न्यूक्लियोसाइड, अगर इसमें फॉस्फेट भी ऐड हो गया तो हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजनस बेस और शुगर जिस बॉन्ड से बनते हैं, जो बॉन्ड इन दोनों के बीच प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो लिंकेज दो न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा और ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही बनते जाएंगे इसी तरीके से, एक स्ट्रैंड में इस तरीके से बनेंगे, जैसे ये 5' एंड होगा और जो 3' एंड होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। जैसे यहाँ पर 3' था तो यहाँ पे OH था, अब ये इससे ऐड हो गया तो ये फ्री नहीं रहा, लेकिन ऐसे ऐड करते करते नीचे किसी का तो फ्री रहेगा, इसलिए उसे बोलेंगे 3' ग्रुप, उसे बोलेंगे उस साइड को 3', और जो फॉस्फेट साइड होती है उसे बोलते हैं 5'। 5' टू 3' फॉर्मेशन होता है। और जिस तरीके से ये देखिए, एक स्ट्रैंड इस तरीके से होता है 5' टू 3', तो दूसरा स्ट्रैंड 5' टू 3' इस वे में ना होकर ये अपोजिट होता है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो एंटी पैरेलल है। ये 5' टू 3' ऐसे है तो ये वाला हो जाएगा 5' टू 3', ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा 5' टू 3'। और जो इस तरीके का जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये जिसमें ये शुगर और ये फॉस्फेट है, ये बैकबोन बनाते जाते हैं इनकी, इसे बैकबोन बोलेंगे। और जो इनके बीच नाइट्रोजिनस बेस इनके बीच इस तरीके से आते हैं, ये स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कॉइल होता है आपस में,
ये बैकबोन होती जाएगी, यहाँ पे आपके रहेंगे फॉस्फेट, यहाँ पे रहेगा और ये शुगर यहाँ रहेगी, और इनके अंदर जो प्रोजेक्शन रहेगा वो होगा नाइट्रोजनस बेस का, नाइट्रोजन बेस एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। अब इनके इनका जो बॉन्डिंग होती है वो होती है एडिनिन गुआनिन की बॉन्डिंग होती है आपस में, और साइटोसिन और थाइमिन की बॉन्डिंग होती है। एडिनिन और गुआनिन की जो होती है वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और थाइमिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडिनिन एंड गुआनिन ये हैं और साइटोसिन एंड थाइमिन, सॉरी एडिनिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ए टी एंड जी सी इनके बीच बॉन्डिंग होती है। ए एंड जी ये जो है वो होंगे प्यूरिन, एंड सी एंड जी होते हैं पिरिमिडिन। ये हो गया डीएनए। डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर होता है, और इसकी जो पैकेजिंग होती है डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा है, हमारा सेल बहुत छोटा है, और सेल में भी न्यूक्लियस सबसे भी ज्यादा छोटा है, 2.2 मीटर समथिंग इसकी लेंथ होती है डीएनए की। तो वो इतना बड़ा लेंथ का डीएनए कैसे पैक हो रहा है हमारे डीएनए में, तो उसका जो डीएनए क्या है, एसिडिक स्ट्रक्चर है, एसिडिक इन नेचर है डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम जो बनता है वो बनता है एक जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड में जो इसमें जो मेजोरिटी होती है हिस्टोन प्रोटीन्स में, जिन अमीनो एसिड की मेजोरिटी होती है वो होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। तो बेसिक नेचर है इसलिए हिस्टोन का नेचर कैसे हो गया बेसिक, इनके अराउंड डीएनए को ऐसे करके रैप होना है, न्यूक्लियोसोम है बॉल टाइप स्ट्रक्चर, इसके अराउंड ऐसे डीएनए को रैप होना है, और ऐसे करके ये बॉल्स ऐसे 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 अरेंज रहेंगी इस तरीके से। तो जो न्यूक्लियोसोम है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इसमें ऐसे अरेंज रहेंगे, दो प्लेन के एक इस तरफ एक उस तरफ, ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन अरेंज रहेंगे, और 1.75 टर्न, मतलब 1 टर्न पूरा एंड 0.734 टाइप वो टर्न डीएनए में ऐसे ले लेगा, और इसी तरीके से ये ऐसे अरेंज रहेंगे। तो जो ये देखने को हमें दिखता है वो इस तरीके से दिखता है, छोटी 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 बीड्स होंगी, ये डीएनए इनके अराउंड रैप रहता है ऐसे करके, और हमें ऐसे दिखता है छोटी छोटी बीड्स टाइप स्ट्रक्चर, इसलिए इसे बीड स्ट्रिंग मॉडल भी कहा जाता है, बीड्स की स्ट्रिंग टाइप में दिखती है। ये डीएनए पैकेजिंग हो गया। और हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। अब आरएनए, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा जाता है, आरएनए डीएनए दोनों के बीच में था, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वायरस का होता है, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें ये हैं कि वो रेप्लिकेट होना चाहिए, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होना चाहिए खुद से, इवॉल्व होना चाहिए क्योंकि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि कोई किसी चीज़ में चेंज आए, लेकिन चेंज स्लो आने चाहिए, ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए, रेप्लिकेट है ना, इवॉल्व, ये सब होना चाहिए। तो स्टेबल होना चाहिए, ये सब ज़रूरतें होती हैं कि एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो, पास होना चाहिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये चीज़ तो आरएनए एंड डीएनए दोनों में थी, लेकिन आरएनए में एक और चीज थी कि इसमें टू प्राइम पर ओएच ग्रुप होता है, ये जो ओएच ग्रुप
ग्रुप है ना वो अनस्टेबल होता है. डीएनए में ये OH, ये ओ ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ एच होता है, जिसके कारण डीएनए में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है. एक और चीज, आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो इसमें होते हैं, इसमें एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन. ये मैंने अभी नाइट्रोजनस बेस बताए थे, लेकिन आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन. थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है. यूरेसिल यू से डिनोट होता है और डीएनए में थायमिन होता है. थायमिन ज्यादा स्टेबल है यूरेसिल के कंपैरिजन में. नेक्स्ट, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है और इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. दो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, दो किसके बीच में, ए एंड टी के बीच में एंड तीन सी एंड टी के बीच में, जिससे ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से प्रेजेंट करता है, क्योंकि दो स्ट्रैंड है तो इन्हें ज्यादा हीट एंड ये सब देना पड़ेगा. और जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जिसके कारण ये कम स्टेबल है. इन्हीं सब की वजह से डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, ये डिस्कवर कैसे हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? क्यों? क्योंकि हमारी सेल में तो और भी चीजें, प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है. उस टाइम तो पता नहीं था कि कौन जेनेटिक मटेरियल होगा, हो सकता है प्रोटीन भी हो सकता था या कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी पास कर सकता था ना, हमें क्या पता. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए. एक्सपेरिमेंट जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ, उसका नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि किया था ग्रिफिथ ने. ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया. इसमें उन्होंने जो बैक्टीरिया जो होता है उसके दो स्ट्रेन होते हैं, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन. आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन होता है, एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन होता है. आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन जो होता है वो वायरुलेंट इन नेचर नहीं होता है, वो किल नहीं करता. एस स्ट्रेन स्मूथ होता है एंड ये किल कर देता है, ये वायरुलेंट इन नेचर है. तो उन्होंने देखा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने लिया एस स्ट्रेन, उन्होंने कुछ केसेस स्टडी किए, उन्होंने कुछ केसेस बनाए. उन्होंने एक रैट लिया, रैट के अंदर उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया. जब स्मूथ स्ट्रेन है, मैंने बोला ये वायरुलेंट इन नेचर होता है, एस स्ट्रेन है, इसे जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो उन्होंने जो रिजल्ट पाया उसमें देखा कि रैट की डेथ हो गई, रैट डाई हो गई, उसकी डेथ हो गई इससे. और उन्होंने जो रिकवर किया वो मैं एस स्ट्रेन एज इट इज रिकवर हो गया रेड की बॉडी में, उसके सेल्स में से उन्हें एस स्ट्रेन मिल गया. फिर उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, रेड में डाला तो रेड लाइव रहा, उसकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि आर स्ट्रेन डेथ कॉज नहीं करता है. तो फिर उन्होंने लिया एस स्ट्रेन रेड, लेकिन इस बार उन्होंने एस स्ट्रेन लिया उसे हीट किल्ड किया हुआ था, मतलब उसका उससे फंक्शनिंग नहीं थी, उसके उसे हीट किल्ड था वो, तब भी रेड लाइव ही रहेगा, अब तो मरेगा नहीं. लेकिन जो उन्होंने नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट में लिया, उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड ही लिया, उसके साथ एक आर स्ट्रेन भी ले लिया. जब हमने देखा एस स्ट्रेन रेड में लिया था हीट किल्ड तो वो लाइव रहा था, ध्यान रखना. अब इसमें अगर उन्होंने एस स्ट्रेन लिया है और आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन भी डेथ कॉज नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से रेड में जब उन्होंने लिया इंजेक्ट किया तो रेड को लाइव रहना चाहिए था, लेकिन जो रिजल्ट आए उसमें देखा गया कि उसकी डेथ हो गई है, रेड मर गया. अब क्यों? तो उन्होंने उसका जो रिजल्ट निकाला, उन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन तो हीट किल्ड था, आर स्ट्रेन था लाइव था. इसका मतलब उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला कि जो आर स्ट्रेन है उसने एस स्ट्रेन से कुछ ले लिया है, मतलब उसमें कुछ तो इसका कुछ पार्टिकल्स इसके हैं जो कि एस स्ट्रेन के कुछ पार्टिकल्स हैं इसमें जो कि आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उसमें गए हैं एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गए हैं, जैसे कि आर स्ट्रेन क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिससे कि वो एस स्ट्रेन की तरह बिहेव किया है उसने और उसने रेड की डेथ कॉज किया. लेकिन वो पार्टिकल्स क्या थे ये नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये था कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म पार्टिकल कुछ तो है. तो उन्होंने ग्रिफिथ ने इतना पता किया कि ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में होता है. अब ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट को आगे मॉडिफाई किया गया, अब इस एक्सपेरिमेंट को आगे मॉडिफाई किया मैकलियोड ने,
एवरी मैकलियोर, इन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया. उन्होंने इसी चीज को लिया, इसी स्ट्रेन को, उन्होंने अब जो हीट के जो रेड से यहाँ पर रेड से जो मिला था वो लाइट एज स्ट्रेन मिला था. कहने को हमने लिया था हीट किल्ड आर स्ट्रेन, लेकिन रिकवर क्या हुआ एज स्ट्रेन. तो इसलिए उन्होंने बोला कि आर ट्रांसफॉर्म हो गया है एज स्ट्रेन. तो जो मैकलियोर एंड एवरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया आगे, उन्होंने देखा सेल में कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए. इन्हीं के बीच जंग छिड़ी थी कि कौन हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये जानने के लिए. तो उन्होंने प्रोटीएस, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला है ना, इन सब से उन्होंने ट्रीट कराया सेल को. तब उन्होंने जो ट्रीट कराया तो उसमें पता चला कि डीएनए, जब डीएनए से ट्रीट करा के इस वाले एक्सपेरिमेंट को, इस फोर्थ केस को डीएनए से ट्रीट कराया गया, तो जो इनहिबिट ट्रांसफॉर्म इनहिबिट हुआ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दिया डीएनए जो कि डीएनए को डाइजेस्ट कर दे. जब डीएनए ही नहीं इसमें प्रेजेंट हो रहा है तो इसलिए ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो रहा. लेकिन जब बाकी केसेस में देखा गया तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हो रहा था. इसलिए पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को ही बहुत ज़्यादा लोगों ने माना नहीं था उस टाइम पे, कन्वीनियंट नहीं उन लोगों को लगा ये. तब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो दिया हर्शी एंड चेस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हर्शी एंड चेस. उन्होंने किया, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और सेल ली बैक्टीरिया. इसके अंदर डीएनए होता है. उन्होंने दो काम किए, उन्होंने एक सल्फर लिया एक फॉस्फोरस लिया. फॉस्फोरस की रेडियोएक्टिव फॉर्म लिया, सल्फर की रेडियोएक्टिव फॉर्म लिया, कैप्सिड और डीएनए दो चीजें प्रेजेंट है इसमें. तो उन्होंने जो कैप्सिड है उसमें सल्फर प्रेजेंट रहेगा, जो डीएनए उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. हमने स्ट्रक्चर में देखा फॉस्फेट बॉन्ड्स बन रहे थे, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. तो उन्होंने क्या किया कि दो केसेस लिए, एक में उन्होंने डीएनए को फॉस्फोरस से ट्रीट कराया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, और एक में उन्होंने कैप्सिड को कराया. तो जब उन्होंने उसका रिजल्ट देखा, सबसे पहले उन्होंने मिक्स इंफेक्शन करवाया इनका, फिर ब्लेंडिंग हुई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ. इनका मतलब जब देखा उन्होंने, जब सेंट्रीफ्यूगेशन, जब फाइनल रिजल्ट आया सेल्स में, उन्होंने देखा सेल्स में कि जिसमें कैप्सिड को सल्फर से कराया गया था उसमें डीएनए नॉर्मल ही दिखाई दिया. नॉर्मल डीएनए हमें मिलेगा क्योंकि डीएनए को तो कुछ नहीं किया था. लेकिन जिसमें डीएनए को फॉस्फोरस से ट्रीट कराया गया था उसमें इन्हें फॉस्फोरस मिल गया, कलेक्ट हो गया उन्हें लास्ट अपने रिजल्ट में, सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम दो मिले. और जो ये बॉडी थी जिसे सुपर नेटेंट में जो आता है वो नॉर्मल मिली इसमें, और इसमें सल्फर की मिली. क्योंकि जब इन्फेक्ट होता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल पास करता है बैक्टीरियोफेज. तो इससे इन्होंने यही कंक्लूड किया कि जो पास होता है, जो हेरिटेबल मटेरियल है वो है डीएनए. क्योंकि डीएनए है वही पास हुआ है. इस पूरे एक्सपेरिमेंट में देखा कि डीएनए फॉस्फोरस से ट्रीट था, और उन्होंने लास्ट में अपने साइंटिफिकेट जो किया था उन्होंने, उसमें उन्हें फॉस्फोरस मिला था. इसलिए उन्होंने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. ना ही प्रोटीन होगा, ना ही कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई और नहीं. ये इन सब तीनों एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. लास्ट में जो अच्छे से प्रूफ हुआ वो हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ. ये जब क्वेश्चन ये सब इनमें यही पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में, इन सब केसेस में से पूछ लिया जाता है कि किसने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रिफिथ में, हर्शी
जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये किसने बताया? ये हर्शी एंड चेज ने बताया था, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। उन्होंने सल्फर एंड फॉस्फोरस इनमें से भी कुछ पूछ लिया जाता है, या कभी कभार डायग्राम बना के दे दिया जाता है तुम्हें, बताना होता है कि इसमें आगे क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब ये पता चल चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है, ये सब वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल हेलिकल ये किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने बताया था कि एक टर्न जो होता है, जैसे एक टर्न जो होगा उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक टर्न ऐसे होगा उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे एक के ऊपर इस तरीके से होते हैं। 0.34 नैनोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ये तो डायमेंशंस उन्होंने दिए थे। अब आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। डीएनए, क्योंकि अब डीएनए को रेप्लिकेट करने के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, इसके तीन पॉसिबिलिटीज बनी, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिफ्यूज्ड इन डिस्पर्स्ड। सेमी कंजर्वेटिव में ये था कि जो नया डीएनए बनेगा वो अपना दोनों स्ट्रैंड्स को लेकर हो जाएगा, एंड जो पुराना रहेगा वो अपना रहेगा, मतलब कंजर्वेटिव कि कंजर्व है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सेमी कंजर्वेटिव था कि एक न्यू एंड एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू एंड एक ओल्ड स्ट्रैंड, और डिस्पर्स कोई भी कहीं भी, मतलब न्यू में भी ओल्ड भी है, ओल्ड भी है न्यू भी है, इस तरीके से ये हो जाएगा डिस्पर्स। इस तरीके के तीन केसेस आए, लेकिन इसमें जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ वो प्रूफ हुआ कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में करता है। अब सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में करता है ये बताने वाले थे मिडलसन एंड स्टॉल। मिडलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें उन्होंने लिया डीएनए, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है डीएनए में, नाइट्रोजन रहेगा, N15 इसकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉर्म है, और N14 नॉर्मल है। और जो कुछ चीजें हैं ये पहले जान लो, अगर हम जो इसका साइंटिफिकेट करने के बाद लेंगे, अगर N15 वाला होगा तो वो हैवी होगा, हैवी आइसोटोप है तो हमें नीचे मिलेगा, N14 लाइट होगा तो हमें ऊपर मिलेगा, लेकिन अगर N15 और N14 दोनों का हाइब्रिड आता है तो वो हमें बीच में मिलेगा। ये सब चीजें बेसिक्स है, ये आगे काम आएंगे। तो उन्होंने जो लिया वो डीएनए लिया, और उन्होंने डीएनए जो लिया ना वो लिया N15। अब उन्होंने इसे एक कल्चर में ग्रो कराया N14 नॉर्मल था, और नाइट्रोजन नॉर्मल प्रेजेंट है, नाइट्रोजन स्पेस आने तो वो नॉर्मल थे। तो जब उन्होंने इसे ग्रो कराया, उन्होंने फर्स्ट जनरेशन जो देखी वो देखी कि एक तो N15 का स्ट्रैंड है और एक N14 का स्ट्रैंड आया है, क्योंकि अब न्यू जो आएंगे वो N14 के आएंगे। तो जब इनका साइंटिफिकेशन किया गया तो 50% क्या मिल रहा है, 50% मिल रहा है N14 एंड 50% स्ट्रैंड मिल रहा है N15 के। अब नेक्स्ट जनरेशन जो देखी गई, नेक्स्ट जनरेशन फिर भी डिवाइड होगा, ये अपना डिवाइड होगा, ये अपना डिवाइड होगा, ये अपना जब डिवाइड होगा तो ओल्ड वाला ब्लैक से है एक स्ट्रैंड इसका हो गया, और ये जो ब्लू है ये न्यू है, ये स्ट्रैंड हो गया, ओल्ड वाला ब्लैक से रहेगा एंड ये ब्लू, ये स्ट्रैंड अपने अलग हो गए। अब नया स्ट्रैंड जो आएगा वो N14 का ही आएगा, N14 का स्ट्रैंड आएगा, इस तरीके से आए। तो जब उन्होंने देखा कि अब क्या हुआ, अब दो हमें हाइब्रिड मिल रहे हैं, दो हमें प्योर मिल रहे हैं, और प्योर मतलब कि N14 के मिल रहे हैं,
और स्ट्रेंथ हमें कैसे मिले, स्ट्रेंथ हमें दो स्ट्रेंथ हमें जो मिल रहे हैं वो स्ट्रेंथ हमें मिल रहे हैं आपके ओल्ड वाले N15 वाले, और बाकी हमें सभी N14 के मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेंथ हमें N14 के मिल रहे हैं। 3/4 मतलब 75% नॉर्मल मिला है एंड 25% हमें N15 का। तो इन्हें जब आगे और करा के देखा गया तो बार बार ऐसे इनके हिसाब से आते जाएंगे, और जब इनका कराया गया तो जो स्ट्रेंथ जो हमें रेशो मिला वो मिला। अब इसमें क्या है, नॉर्मल है और हाइब्रिड है, प्योर तो कोई नहीं है, प्योर में N15 में प्योर तो कोई नहीं है। तो ये तो नीचे रहेगा, यहाँ पर नीचे जो रहेगा वो हाइब्रिड वाला रहेगा, और जो ऊपर जो बैंड मिला वो रहेगा आपका नॉर्मल। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ होता है कि वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट होता है DNA। अब एक चीज ध्यान देना कि जो ये क्वेश्चन आते हैं इस पर बहुत आते हैं, कि क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एक ईकोलाई को 20 मिनट्स लगते हैं रेप्लिकेट होने में, है ना। तो 80 मिनट्स में बताओ कि उसके हमने जैसे कुछ भी दे देंगे लाइक कि N14 का जो मटेरियल था उसका जेनेटिक मटेरियल वो है, हमने उसे ग्रो कराया N15 में ग्रो कराया, अगर N15 में ग्रो कराएंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि 80 मिनट बाद बताओ कितना हो जाएगा, कितने हमें लाइट स्ट्रेंथ मिलेंगे, कितने हमें हैवी स्ट्रेंथ मिलेंगे, कितने हमें हाइब्रिड मिलेंगे, हाइब्रिड हैवी एंड नॉर्मल दोनों को मिलाकर हाइब्रिड, तो हमें कितने क्या प्रपोर्शन रहेगा, ये सब क्वेश्चन इससे आता है। 20 मिनट्स एक बार एक साइकिल का है 20 मिनट्स कि एक से जब डिवाइड होते हैं 20 मिनट्स में, तो 80 में कितने जाएंगे, 4 साइकिल हो जाएंगे। तो आपको वो 4 बार करके देखना होगा, 1 2 3 4 मतलब इससे कितने बन जाएंगे, 2 2 से 4 4 से 8 ऐसे बनेंगे, फिर सबको कैलकुलेट करके देखना होगा। इससे आपके मिरर से चार से मेरे यही क्वेश्चन आते हैं और हमारे को बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो इतना ये सब हुआ आपका पूरा बेसिक्स, यहाँ ये सारे टॉपिक हो गए। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस और आपका जीन रेगुलेशंस, ये सब।